मैमर्स, मैमर्स माने स्तन धारी, मैमर्स माने स्तन धारी। स्तन जो है स्त्री और पुरुष यानी लड़का और लड़की दोनों में जो है स्तन पाए जाते हैं, लेकिन लड़का का स्तन जो है छोटा होता है और लड़की का स्तन जो है बड़ा होता है। इसके पीछे कारण ये है कि लड़का में यानी मेल में जो है ना स्तन जो होता है उसके स्तन के पीछे जो है स्तन ग्रंथि नहीं पाए जाते हैं। जिसके स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि नहीं रहेगा उसके स्तन क्या होगा, उसके स्तन में उभार नहीं आएगा और उसमें उभार नहीं आएगा तो उसमें दूध भरेगा नहीं। इसीलिए जो है लड़का का स्तन यानी मेल का स्तन जो है छोटा होता है, लेकिन फीमेल में चलते यानी महिलाओं यानी लड़कियों में तो उसकी जो है लड़कियों के स्तन के पीछे जो है ना स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्तन ग्रंथि। और स्तन ग्रंथि के कारण जो है ना उसके स्तन का जो है उभार आ जाता है, उसके स्तन में जो है उभार आते हैं, उभार के मतलब उसको बड़ा होने लगता है और जब बड़ा होता है तो उसके स्तन में क्या होता है दूध भर जाते हैं। इसलिए जो है महिलाओं के स्तन जो है बड़ा होता है और पुरुष का स्तन जो है बड़ा नहीं होता, यानी स्तन जो है दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में जो स्तन पाए जाते हैं। ये सब जो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं मनुष्य, यानी इस स्तनधारी के कैटेगरी में आ गया यानी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ये सब जो है ना स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सब में जो है स्तन पाए जाते हैं और स्तन के कारण जो है अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं।